दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरी क्या एक्टिविटी थी। ये मेरी सामने जो आपको नज़र आ रही है, मुस्कावी डक्कत पेयर है मेरे पास, जो काफ़ी अर्से से मेरे पास था। ये बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मैंने इनको परचेज़ किया था, ये कोई 7 मंथ्स के थे। तो माशाल्लाह अब ये अंडे दे रहे हैं और इन्होंने अभी काफ़ी सारे अंडे दे दिए हैं। और आप देखें कितनी खूबसूरत और बड़ी हो गई है। इसने काफ़ी अंडे दिए थे, इसकी आवाज़ चेंज हो गई है और जैसा बिल्कुल कुड़क हो चुकी है। ये तकरीबन कुड़क होने वाली है। तो छत पे ये थी तो मुझे ये लगा कि कुड़क है, तो उसको उठा के मैं नीचे ले आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ किसने कितने अंडे दिए हैं। ये देखें आप, इसकी आवाज़ देखें, ये देखें इसकी आवाज़। अब इसके नज़दीक जाएंगे तो आवाज़ निकालेगी। ये देखें इसकी आवाज़, जैसे जाते जाएंगे तो ये आवाज़ निकालेगी। मैं आपको उसके अंडे दिखाती हूँ। ये इसके अंडे, ये इसके अंडे नज़र आ रहे हैं, इसके अंडे। और ये इस पर बैठेगी इंशाल्लाह और इसकी बहुत जल्दी इनमें से बच्चे निकल आएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मुस्कावी तक है, ये अंडे देखती है, पता नहीं बैठती क्यों नहीं इसके ऊपर। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये अंडों पर बैठ जाएगी। और ये तकरीबन कुड़क हो चुकी है, स्पेशल इसके लिए जगह बनाई है ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर ना आए और ये आराम से उस पर बैठे और बच्चे निकाले। मुस्कावी डक के बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही अच्छे। इसी तरह आप, मैं आपको एवरी के अंदर लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या प्रोग्रेस है। ये देखिए, ये सामने जो आपको इतने सारे फैजल नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन वुड और रिंग नेक पेयर हैं। और ये बहुत खूबसूरत हैं और बिल्कुल फुली ब्रीड हैं, ब्रीड पे आए हैं। ये जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो इस तरह ये छलांगे लगाते हैं। और आमतौर पे जो नर है वो हमेशा माजी को मारता है, और जो दो नर हैं वो आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। ये देखें आप, देख सकते हैं। किस किस्म के ये मटके लगे हैं, इन पे बर्ड्स बैठे हैं।